नमस्कार दोस्तों, अजय ट्रेडर्स की और एक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, मैंने लास्ट दो दिन पहले जो वीडियो बनाया था उसमें आपको मैंने निफ्टी का टारगेट दिया था 18,050। तो आप यहाँ पर चेक करोगे कि उसने ये टारगेट अचीव कर लिया वन डे के चार्ट में। फ्रेंड्स, और बैंक निफ्टी का मैंने टारगेट दिया था 41,650 और दूसरा टारगेट मैंने आपको दिया था 41,850। लेकिन आप यहाँ पर चेक करोगे उसने आज हाई मारा है 41,677 उसने हाई मारा है आज फ्रेंड्स बैंक निफ्टी ने। तो आइए देखते हैं ग्लोबल मार्केट में अभी क्या चल रहा है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने डाउ जोन्स का एक चार्ट लगाया है वन डे का। आप यहाँ पे चेक करोगे तो वो 158 पॉइंट अभी माइनस में है और उस ये एक पूरा रेड कैंडल बन रहा है फ्रेंड्स यहाँ पे, अगर आप चेक करोगे तो। ओके, और एस जी एस निफ्टी में आप चेक करोगे फ्रेंड्स तो आज का उसका हाई है हमारा 18,255 का उसका हाई है और अभी चल रहा है वो 12 पॉइंट यानी फ्लैट अभी वो चल रहा है फ्रेंड्स एस जी एस निफ्टी। तो आइए देखते हैं हमारे मार्केट में कल क्या हो सकता है। फ्रेंड्स, ये मैंने लगाया है निफ्टी का चार्ट, इसको मैं निकाल लेता हूँ फ्रेंड्स। अभी हम डायरेक्ट देखते हैं 15 मिनट की चार्ट में क्या हो सकता है फ्रेंड्स कल निफ्टी में। लगातार आप यहाँ पर चेक करोगे तो गैप अप ओपन हो रहा है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, और उसका आज का क्लोजिंग आया है 18,145 पे उसका क्लोजिंग आया है फ्रेंड्स निफ्टी में। तो कल के लिए मैं नो ट्रेडिंग जोन ड्रॉ करूंगा फ्रेंड्स, ये वाला इसका रेंज रहेगा अपसाइड में फ्रेंड्स 18,176 और डाउन की साइड में रहेगा फ्रेंड्स 18,090। अगर फ्रेंड्स टूमोरो निफ्टी फ्लैट ओपन होता है यानी 18,090 से लेकर 18,176 पे ओपन होता है और उसके बाद यहाँ पर ओपन होने के बाद इसको ब्रेक करता है फ्रेंड्स 18,090 को, तो उसका पहला टारगेट आ सकता है फ्रेंड्स 18,059 और दूसरा टारगेट आ सकता है फ्रेंड्स 18,000 के करीब जा सकता है फ्रेंड्स निफ्टी। और अपसाइड में अगर फ्रेंड्स 18,176 ब्रेक करता है तो उसका टारगेट आ सकता है फ्रेंड्स 18,240 जा सकता है फ्रेंड्स निफ्टी कल के लिए इंट्राडे के लिए। ओके, और अभी हम देख लेते हैं फ्रेंड्स बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में क्या सीनियर बन रहा है फ्रेंड्स अभी देख लेते हैं हम। इसको मैं निकाल लेता हूँ फ्रेंड्स, पुराना वाला जो लेवल मैंने डाला हुआ था वो। फ्रेंड्स, मैं ये वीडियो एजुकेशन प्रपोज से बनाता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे फ्रेंड्स। आप वीडियो देखते तो हो लेकिन आप लाइक तो करते भी नहीं हो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, ये मैंने बैंक निफ्टी का वन डे का चार्ट लगाया हुआ है। आप यहाँ पर आप चेक करोगे कि वन डे में उसने एक बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बनाई है। अगर कल इसके लो के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है यानी 41,188 उसका लो है और अगर 41,150 के नीचे वो ट्रेड करता है तो उसका टारगेट आ सकता है 41,800 के करीब जाने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी रहेगी फ्रेंड्स वन डे के चार्ट में। तो आइए देखते हैं 15 मिनट के चार्ट में कल क्या हो सकता है फ्रेंड्स बैंक निफ्टी में। 15 मिनट में चार्ट लगाया है मैंने फ्रेंड्स, अभी उसका हम नो ट्रेडिंग जोन ड्रॉ करते हैं फ्रेंड्स। उसका क्लोजिंग आया 41,289 पे उसका क्लोजिंग आया है फ्रेंड्स और ये मैं ड्रॉ किया हूँ यहाँ पे नो ट्रेडिंग जोन, यानी ईच जोन में ओपन होता है तो हमें ट्रेड नहीं लेना है, किसी एक तरफ ही ब्रेक करता है उसके बाद ही हमें ट्रेड लेना है ये वाले रेंज में। ओके, अगर बाई चांस यहाँ से ओपन होने के बाद इसको ब्रेक करता है तो हमारा पहला टारगेट आने की पॉसिबिलिटी रहेगी फ्रेंड्स बैंक निफ्टी में 41,289 पे क्लोज हुआ है, 41,190 को ब्रेक करता है डाउन की साइड में और अप साइड में कौन सा लेवल रहेगा हमारा, अरे क्या हुआ इसको, 41,190 ब्रेक करता है तो उसका पहला टारगेट आने की पॉसिबिलिटी रहेगी फ्रेंड्स। ये जो गैप पड़ा है ना, इस गैप को फिल करने के लिए नीचे आ सकता है जिसका लेवल रहेगा 41,050 के करीब और दूसरा टारगेट आ सकता है डाउन की साइड में यहाँ पे थोड़ा 40,950 के करीब वो सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है क्योंकि ये 200 का एक्सपेंशन मूविंग एवरेज है फ्रेंड्स। अगर इसको भी ब्रेक किया फ्रेंड्स डाउन की साइड में तो उसका टारगेट आ सकता है यहाँ पे
40,800 के करीब फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, और अपसाइड में अगर फ्रेंड्स बैंक निफ्टी फ्लैट ऊपर होने के बाद 41,380 ब्रेक करता है तो उसका टारगेट आ सकता है फ्रेंड्स 41,480। और दूसरा टारगेट आ सकता है फ्रेंड्स, इसको हाई को टच करने के लिए जा सकता है ऊपर, जिसका रहेगा 41,630 के करीब जा सकता है फ्रेंड्स बैंक निफ्टी। ओके फ्रेंड्स, तो चलो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।